हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको एक महत्वपूर्ण योग के विषय में बताऊंगा जो काफ़ी चर्चा में रहता है। भारतीय एस्ट्रोलॉजी में ये लोगों के आय का साधन भी बन चुका है और इसके कारण काफ़ी लोग भयभीत होते हैं और डरते हैं कि यार ये योग हमारी कुंडली में है तो क्या हमारा क्या होगा। तो इस विषय में जानते हैं और निश्चित रूप से ये वीडियो देखने के बाद आपका जो डर है वो काफ़ी कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जातक तत्त्वम नामक ग्रंथ है, उसमें लिखा है प्रेत बाधा योग क्या होता है। राहु शनि की युति और अष्टम शनि चंद्र, ठीक अष्टम भाव में शनि और चंद्र और राहु शनि की युति, जो कहीं पे भी हो सकती है। और राहु की शनि युति अष्टम में होती है तो काफ़ी तकलीफ देह होती है। अष्टम स्थान डर का है, भयभीत होने वाला स्थान है, तो अष्टम स्थान विशेष कष्टदायी होता है। ठीक है, तो ये युति को जानने के लिए दो प्रकार की युति बोला, राहु शनि की युति और अष्टम शनि चंद्र। ठीक है, अब जान लो कि चंद्रमा फास्ट मूविंग प्लानेट है और शनि जो स्लो प्लानेट है। ठीक है, तो शनि के साथ चंद्रमा की युति आपका जो मन है वो शनि के साथ होगा तो मन बैठेगा। आपका जो चंद्रमा है आपके मन को शनि के साथ रखेगा तो बैठा देगा, डर हो जाएगा आपको। और अष्टम भाव में ये युति होगी। देखो मैं काल पुरुष की कुंडली लगाया हूँ भाई, ठीक है। अष्टम भाव में ये युति होगी तो एक तो चंद्रमा अष्टम भाव क्या है, जल भी है, जल की भीति देता है। कई बार अष्टम चंद्रमा के वजह से बाल अरिष्ट रोग बताया है। अष्टम भाव में चंद्र जो होता है, अष्टम चंद्र जल है, भय है, ठीक है, गहरा गड्ढा है, पाताल लोक है। ठीक, तो भाई कई बार अष्टम चंद्रमा होता है तो बाल अरिष्ट रोग होता है बताते हैं। और ज्योतिष के ग्रंथ में तो इतने सारे बाल अरिष्ट है कि बाल अरिष्ट भी अष्टवा चंद्र किसी ने देख लिया तो बच्चा बोले यार जिंदा नहीं रहेगा, ये मर जाएगा, बाल अरिष्ट हो गया, इसको पानी से डूब के मर जाएगा। लेकिन अभी बच्चे बच्चे जन्म हो रहे हैं किसी की कुंडली में अष्टम चंद्र से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हजारों साल पहले ज्योतिष के लिखे गए योग अब कोई काम के नहीं है। ठीक है, ना कोई पानी के तालाब में नहाने जाता, ना नदी में नहाने जाता। सारे बच्चे कहाँ नहाते हैं भैया, सारे बच्चे तो आजकल घर में सुरक्षित नहाते हैं। यदि कहीं स्विमिंग सीखने गए तो एक्सपर्ट सामने रहता है, स्विमिंग से एक्सपर्ट उसको सिखाता है। तो पानी से डूबने वाली मौत तो होती नहीं, तो वो तो बेकार के ही हो गए। अष्टम चंद्र से बनने वाले योग में कोई नहीं मर रहा आजकल। ठीक है, खत्म हो गए योग, काल परिस्थिति में बने हुए योग थे, समझ में आया ना। वो हजारों साल पहले की स्थितियां थी तो उस समय ज्योतिष ग्रंथ जिनने लिखा तो ऐसे योग बनाया, बच्चा नहाने जाएगा, चंद्रमा डूब जाएगा यार। ठीक, अब कोई नहीं डूबता, तो इसका मतलब बाल अरिष्ट जैसे योग लगभग खत्म हो गए हैं। तो उसी तरीके से चंद्रमा के साथ शनि, ये हो सकता है कि जातक का मन बैठ जाएगा। प्रेत योग का मतलब ये है कि उसके मन में भय हो जाएगा। देखो प्रेत का मतलब भय से जोड़ लो आप, ठीक है। जब आपको प्रेत की बात कौन करता है, डर, जहां डर हो, तो इसका मतलब चंद्रमा के साथ शनि होगा तो आपके मन में भय पैदा होगा। भय से उन्होंने प्रेत योग लिख दिया, आपको ऐसा लगेगा कोई चीज होगी। और जब ये ज्योतिष लिखी जाती थी तब तो वैसे ही प्रेत बहुत होते थे। क्यों होते थे, हर जगह तो अंधेरा होता था, लाइट होती नहीं थी भैया, ठीक है, जंगल बहुत होता था तो आदमी डरता था। अब तो हर जगह सड़क बन गई है, कोई डर नहीं रह गया है, डर जैसी कोई चीज नहीं रह गई है। ठीक है, तो अब काय का डरना, अब नहीं है कोई भूत भूत भाई, पहले रहा होगा कभी कोई भूत प्रेत। ठीक है, भूत प्रेत ये पास्ट भूत की चीजें हैं, होता है भूत तो होता है, हर व्यक्ति का भूत होता है, आपका भी भूत है कि आप 20 साल पहले क्या थे, 25 साल पाल क्या, तो भूत होता है, इसमें कोई दम नहीं। कैसे भूत होता है कि आप कभी बचपन में छोटे बच्चे थे, वो वाला भूत होता है। ठीक है, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, तीन काल होते हैं। तो ये सब चीजें नेगेटिव ऊर्जा है, कुल मिला के इसको नेगेटिव ऊर्जा बोल दो आप, है ना। तो ये नेगेटिव ऊर्जा यहाँ पे शनि के साथ चंद्रमा मन को काफी डरावना बना देती है, तो इसको बोल दी भाई भूत पिशाच योग हो गया। अब आठवें भाव में बोला स्पेशल, लेकिन ठीक है। अब उन्होंने ये भी कहा कि यार शनि और राहु की युति कहीं हो जाए। अब शनि और राहु की युति लग्न में हो जाए तो कोई बुरी युति थोड़ी यार ये, ठीक है। शनि राहु तो आदमी को काफी इंटेलिजेंट बनाता है, ठीक है। ये राहु राक्षस ग्रह है, ठीक है। राहु जो है ऐसा ग्रह है जो छल कपट करने वाला ग्रह है, तो जिसका लग्न का राहु होता है वो आदमी काफी छल कपट करता है। और तो और वो राहु जो है ना बहुत प्रोफेशनल होता है, इतना चालाक होता है कि अपने काम मीठी मीठी बोल के वो
अपना फट से काम निकाल लेता है, बहुत ही जो है मिस्री जैसे बोलता है और चालू आदमी होता है। तो ये राहु और शनि की युति के बारे में भी कहा है कि भैया ये जो राहु शनि की युति है ये कहीं किसी भाव में हो सकती है, ये युति तो काफी खतरनाक होगी। राहु शनि की युति 12वें भाव में सैया सुख खत्म कर देगी, आदमी डरेगा सोएगा नहीं है। और इसी तरीके की ये युति 8वें भाव में काफी खतरनाक हो जाएगी, शनि और राहु की युति, ठीक है, ये भी काफी खतरनाक हो जाएगी। ये डर है, सबसे ज्यादा डरने वाला काम है यहाँ होता है, ठीक है। तो ये युति कहीं बने तो उतना नहीं कष्ट होगा, लेकिन जितनी 8वें भाव में बनती तो उतना कष्ट होगा। तो शनि राहु हो गए तो पिशाच योग हो गया, अब पिशाच योग हो तो ज्योति योग पैसे बनने लगे, लोग आते हैं डरा कर, अरे तुम्हारा तो शनि राहु पिशाच योग बन गया, अरे शनि चंद्र तुम्हारा तो पिशाच योग बन गया, कहीं प्रेत बाधा योग बन गया है, इस तरीके से लोग काफी घबराए हुए रहते हैं। तो ये मैंने प्रेत बाधा योग का बताया, अब मैं इसका उपाय यदि नहीं बताऊंगा तो ये वीडियो बनाने का कोई महत्व ही नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको समझा दिया भैया कि अब कोई नहीं मरता कौन से योग से, अब कोई बाल अरिष्ट से नहीं मरता, तो वैसे ही ये चंद्रमा के और शनि के साथ से अब कोई पिशाच योग नहीं होगा। अरे ना जंगल है, हर जगह रात में भी जाओ तो बड़े बड़े टावर इलेक्ट्रिक जलते रहती, कहाँ से भूत मिलेगा यार। कुछ लोगों के मन में वहम हो जाता है, ठीक है, उसके पीछे साइंटिफिक कारण है, ठीक है। वो जो है ना कुछ चीजें रिकॉल करते रहता, कुछ उसको दिखता है, ऐसा एहसास हो जाता है उसको कि कुछ उसको दिख रहा है करके, क्यों उसके पीछे भी ये रही है। ऐसे लोग गंदे गंदे वीडियो देखते हैं, नेगेटिव बात सोचते हैं, तो ऐसे जिनके योग है तो गंदे वीडियो नहीं देखना चाहिए, गंदे एस्ट्रोलॉजरों की वीडियो नहीं देखना चाहिए जो उल्टी सीधी बात करते हैं, ठीक है। रात को गंदे वीडियो देखने से बचो। तो ये शनि चंद्र का योग आपका कुछ नहीं करेगा, कोई विष विष नहीं होता, काय का विष होता है यार। यहाँ तो जो आदमी जहर खा लेता है उसको तो डॉक्टर बचा रहा है, जिसको सांप काट लेता है उसको तो डॉक्टर बचा रहा है, तो कहाँ हो गया अरे भैया विष योग। नहीं समझोगे फिर भी जाओगे, जब तक पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारा नहीं कल्याण होने वाला है, ठीक है। फ्री की दवाई बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। चलो अब आपको मैं उपाय बता देता हूँ, फ्री की दवाई बता देता हूँ, ठीक है। चलो मान के चलो आपका प्रेत बाधा योग हो गया, बहुत प्यारे लोगों को इस प्रेत बाधा योग से ना, प्रेत बाधा योग हो, चलो है आपकी कुंडली, मान लिया। ये पहली चीज तो मैं नकार ही रहा हूँ कि शनि चंद्र होने से भी कुछ नहीं होता, केवल डिप्रेशन होता है, ठीक है। डिप्रेशन क्यों होता है यार, जब आपकी मन की इच्छित चीजें ना मिले, आपको नौकरी ना मिले, आपकी धर्मपत्नी से झगड़ा हो गया है, पुत्र नहीं हो रहे हैं, जॉब नहीं मिल रहा है, तो डिप्रेशन हो गया। और ये डिप्रेशन सबको होता है, लेकिन शनि और चंद्रमा 8वें में हो गए ज्यादा होता है, यहाँ डर है, भय है, भय का स्थान है, तो ज्यादा मन भयभीत होता है। राहु क्या होता है, राहु ऐसा ग्रह है जो छल कपट करता है, तो शनि के साथ यदि शनि वैसे ही पापी, इसके साथ राहु जैसा छल कपट वाला हो जाए तो उसका मन ही पापी हो जाता है। और ये योग कहीं कपट योग, ये तो उसमें कपट योग ज्यादा बोलो आप इसको, तो ये ऐसा कहीं हो गया। चौथा स्थान मन है, जिनका चौथा राहु और शनि होते काफी कपटी लोग हो गए सोचो, ठीक है। अब कपटी आदमी को डर क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि दूसरे का बुरा सोचेगा तो डर इसको लगेगा लगेगा, तो ये बन गया पिशाच योग है, ये चौथा हो गया तो ये काफी तकलीफ होगा। अब ये 5वें में हो गया तो इसकी इतना शैतान हो गई बुद्धि से, ठीक है, इंटेलिजेंट बहुत होगा भैया, लेकिन राहु के वजह से इंटेलिजेंसी आएगी, ठीक है। तो राहु बुद्धिमानी देगा और जो है पाप की बुद्धि देगा शनि, ठीक है। तो यहाँ पे मन में इसका प्रभाव पड़ेगा, तो ये भी इसका जो है प्रेत बाधा वाली बात कह रही है। लग्न में होगा तो शैतानी करेगा वो, ठीक है। देखो लग्न में पाप ग्रह होना नहीं चाहिए, होंगे तो फिर वो दुष्परिणाम आते हैं, ठीक। चलो ठीक है, मान के चलो योग है यार, मानोगे नहीं आप तो, माना ही लो, मानते ही हो कि है ऐसा योग, मैं तो नहीं मानता। चलो है भी तो हनुमान चालीसा पढ़ो, राम सेवक के बारे में पढ़ो। महादेव जी ने ग्रंथ तो लिख दिया, ठीक है, जहाँ तक तत्व में, लेकिन उपाय कहीं नहीं लिखे। मैंने पूरा खोजा यार, भैया आपने जब प्रेत योग लिखा है कुछ उपाय तो बता दो, कुछ नहीं बताया, ठीक है। बस ये है कि उन्होंने अपनी जब किताब चालू करी थी तो गुरु और गणेश जगत जननी को प्रणाम करके किताब लिखी थी, है ना, गुरु गणेश और जगत जननी माता को, तो समझ इशारा समझ जाओ। जब वो किताब लेखक लिख रहा है तो उसमें गणेश भगवान का नाम ले रहे हैं, गुरु जी के नाम ले रहे हैं, जगत जननी के नाम ले रहे हैं, तो काय को टेंशन लेना। राम दूत अतुलित बल धामा, तुम रक्षक काहू को डरना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। आ गया ये भूत और पिशाच अब नहीं आएंगे निकट। जब ग्रंथ लिखे जा रहे थे उस समय सबको भूत दिखता था, क्यों दिखता था, अरे जंगल ही जंगल था, लाइटें नहीं होती थी, हर एक आदमी को लोग भूत समझता था, डर था, लोग कुछ नहीं समझते थे, बहुत भयानक था। तो अब ये सब चीजें लगभग खत्म हो गई, क्यों, जंगलों में लाइट है, रात को तो शहरों में इतनी स्ट्रीट लाइट जलती बड़ी बड़ी, तो भूत ही नहीं दिखे, भूत कहाँ आएगा। तो
कहां से दिखेगा? शहरों में भी भूत दिख रहे हैं तो मूर्खों की कमी नहीं इस दुनिया में, सोचो। गांव में तो भूत दिख नहीं रहा आजकल यार, शहरों में कहां से दिखेगा? तो भूत पिशाच ने कट नहीं आवे, तो राम हनुमान चालीसा का पाठ करो, सुंदर कांड करो, तो सब ठीक होगा। ठीक है, राम दूत अतिल बलदावा, तुम रक्षक काहू को डरना, भूत पिशाच नहीं कट नहीं आवे। जब इतनी सारी चीजें उपाय हमारे पास, धार्मिक उपाय प्रार्थनाएं दी हैं, तो फिर डरना किस बात का? ठीक है, अब एक और उपाय है। उपाय क्या है? श्रीमद् भागवत में सप्तम स्कंद में लिखा है, क्योंकि कैसे वहां पे जो है, आगे चलते हैं, प्रहलाद महाराज की कथा आती है। ठीक है, प्रहलाद महाराज और जो राजा साहब थे, उनके बापू जी है ना, कितनी उनको तकलीफ दे रहे थे, और प्रहलाद महाराज पूजा पाठ करते थे तो वो चिल्लाते थे हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु द्वारा अपने पुत्र प्रहलाद को मार डालने का निश्चय कर लिया था। अब बाप बेटे ने झगड़ा कर लिया, क्यों पूजा करता है यार, कुछ है नहीं दुनिया में, सब बकवास चीज है। हिरण्यकश्यपु मारने ही वाला था बिल्कुल प्रहलाद को। ठीक है, तो खंभे से भगवान प्रकट हो गए, भगवान सर्वत है तो मुझे क्यों दिखता नहीं, ऐसे बोला उन्होंने। अरे कहाँ है भगवान, मुझे क्यों नहीं दिखता, ये लो भगवान आ गए। भगवान नरसिंहदेव प्रकट हो गए। ठीक है, इसके बाद क्या तमाशा हुआ था आप लोगों को सब जानकारी है ही। ठीक है, तो डरने की जरूरत नहीं है। भगवान नरसिंहदेव ने हिरण्यकश्यपु को पकड़कर अपनी गोद में रख लिया, फिर उस सभा भवन की दहली पर अपने हाथ के नाखूनों से उस असुर को छिन्न भिन्न कर डाला। तो हिरण्यकश्यपु को भगवान नरसिंह ने मार डाला और प्रहलाद महाराज की रक्षा करी, है ना। तो डरने की क्या जरूरत, कहाँ से निकल गए, निकले कहाँ से, निकले रे खम्भे से निकल गए। तो ये ताकत थी भगवान कृष्ण की, है ना। भगवान नरसिंहदेव द्वारा प्रहलाद महाराज के सिर का स्पर्श करने से समस्त भौतिक कल्मष इच्छाएं धुल गई। भगवान की स्तुति करने से सब खत्म हो जाएगा। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्वकारणम, सर्व कारण कारणम, गोविंद कहलाने वाले कृष्ण परम नियंता है, सच्चिदानंद रूप है, वो सबों के उद्गम है, उनका कोई अन्य उद्गम नहीं है, क्योंकि वे समस्त कारणों के कारण है। एक पूर्ण भक्ति की पहचान यही कि वह इस ब्रह्मांड में गोविंद के सर्वत्र दर्शन करता है, यहाँ तक कि एक परमाणु में भी भक्त भी की यही पूर्ण दृष्टि है। ठीक है, भगवान कृष्ण ही सर्वे सर्वा है, उनका ध्यान दो, ईश्वर भक्ति करो तो आपको कुछ नहीं होगा। ठीक है, जान लो कि सारी सुंदर यशस्वी तशक्शाली सृष्टियाँ मेरे तेज के एक स्फुलिंग से प्रकट होती है। प्रहलाद महाराज द्वारा इसकी पुष्टि की जा रही है। बिना ईश्वर भक्ति के कुछ नहीं होगा, कहीं आपको भूत पिशाच नहीं दिखेगा। आप जाओ मत इधर उधर, पगलों जैसे भागो मत, है ना, भाग रहे हैं पगले जैसे इधर उधर जा रहे हैं, पिशाच योग है महाराज मेरे को। कई लोगों ने बोला मेरे को पिशाच योग है, कुछ लोग तो फोन ही करते हैं मेरे को कि पिशाच योग है, दिन भर उल्टे सीधे वीडियो देखोगे, मूर्ख लोगों पढ़ोगे नहीं, है ना, और चोरी चमारी करोगे तो पिशाच तो हो गई। कुछ लोग तो बिल्कुल ही मूर्ख हैं। अब मूर्ख को कभी पिशाचियों को नहीं दिखेगा, लेकिन वो मूर्ख को दूसरा मूर्ख वीडियो बनाता है कि तेरे कुंडली में प्रेत योग है, पिशाच योग है। तो फिर ये मूर्ख जो वीडियो देखता है कि वो मूर्ख ने वीडियो बनाया, एक मूर्ख ने देखा, फिर वो फोन करता है, महाराज मेरा तो शनि चंद्र है, महाराज मेरा तो राहु शनि है, तो लाओ 20-25 हज़ार हम तुम्हारा कटवा देते हैं। अरे वो गरीब व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर जो खुद का उसका पेट नहीं पल रहा है, वो दुष्ट वीडियो बना रहा है, भूत पिशाच पे डरा रहा है, वो आपके पैसे से डिपेंड करता है। तो ऐसे लोगों ने पूरा ऐसे मकड़जाल बना रखा है। जैसे कि अभी जून में राहु और मंगल साथ में जाएंगे तो लोग अंगारक का वीडियो बनाएंगे, राहु मंगल एक साथ हो गया तो अंगारक हो गया। देखिए राहु जो है ना मंगल के कारण एक्टिवेट हो जाएगा, राहु मंगल एक साथ होगा तो पूरी दुनिया में कई बार अग्नि से संबंधित घटनाएं होती थी, पूरी दुनिया में इसका प्रभाव होता है। और ऋषि मुनियों ने जो ये ग्रंथ लिखे थे ना, तो ये ब्राह्मणों के लिए लिखे थे, ब्राह्मण काफ़ी बुद्धिमान होता था। अब ये बाजार में ग्रंथ मिलने लगे, सब पढ़ने लगे और सब अपने अपने से डिफाइन करते हैं। ठीक है, प्रेत योग पिशाच योग क्यों लिखा था, किस जमाने में लिखा गया था? ऋषि फारासर ने बोला कि काल परिस्थिति, अरे 3000 4000 5000 पता नहीं कब कब लिखी, जैसे 3000 लिख दो तो एक कमेंट में लिखेगा नहीं 3000 साल पहले का नहीं था भागवत, 20000 पहले का था। अरे 20000 का था मूर्ख, मैं मुझे क्या मालूम कब का था, तो वो कहेगा कि तर्क करेगा, अब हजारों साल पहले लिखी ज्योतिष कब है मैं नहीं मालूम, मैं तो जैसे 3000 बोलो तो लेकिन नहीं 4000 साल पुरानी ज्योतिष बोल देंगे लोग। तो जब ये ज्योतिष लिखी गई तो उस समय लिखा ऋषि पारासर ने उहापोह, काल परिस्थिति पर देख के बोलो।
अरे जंगली जंगल था, चारों तरफ भूत नजर आते थे। ठीक है, इलेक्ट्रिक नहीं थी, डर था, पत्ते खड़खड़ाते थे तो लोग डरते थे। आपने नहीं सुना कि एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा होगा, तो जब ये ट्राइबल लोग जो बारिश होती थी बिजली तो घर में घुस जाते थे, डर जाते थे। ठीक है, नदी को भगवान मानने लगे, बड़े पेड़ को भी भगवान मानने लगे, विशाल दिखता है करके। तो हर जगह उन लोगों को प्रकृति में भी भगवान दिखता था। ठीक है, तो डर का ज्यादा रीजन था। तो अब हमारे देश में हर जगह इलेक्ट्रिक है, बिजली है, साइंस है, विज्ञान है। अब शनि के साथ चंद्रमा आ गया, तो क्या हो गया, जहर हो जाएगा। अरे सांप काटे तो लोग जिंदा बच रहे हैं, लोग जहर पी लेता तो डॉक्टर उसको जिंदा बचा रहा है। ठीक है, कोई ऐसे योग नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों की जो धारणा है वो धारणा ईश्वरी भक्ति करिए आप, तो हनुमान चालीसा पढ़िए, भूत पिशाच नहीं आएगा। ठीक है, भूत पिशाच निकट नहीं आए, कोई नहीं आएगा। जब लिखा था ये ग्रंथ तब भूत पिशाच होते थे, क्योंकि हर जगह अंधेरा था, जंगल था, रात में निकला नहीं जाता था, सड़कें नहीं थी, थोड़ी सी आवाज आए तो भूत दिखता था। तो थोड़ा अपना दिमाग को अप्लाई कीजिए, नेगेटिव ऊर्जा रहती थी जंगल में, कोई सांप काट दे, बिच्छू काट दे, वो नेगेटिव ऊर्जा ही भूत और पिशाच है। तो ये मन का होने वाले, मन मन के बने योग हैं, शनि और चंद्रमा। चंद्रमा है मन और शनि है बिल्कुल नेगेटिविटी। तो नेगेटिविटी का सामना चंद्रमा से, मन से हो जाए तो मन हो जाएगा गंदा। और शनि के साथ राहु, शनि पापी ग्रह, राहु छल कपट वाला ग्रह है। ये शनि और राहु जिनकी कुंडली में रहे तो ये वैसे ही तकलीफ देह योग हैं, लेकिन ये कई ऐसे योग भी कई बार फायदेमंद बनाते हैं आदमी को। राहु छल कपट वाला है, शनि मेहनत कर्मठ करने वाला, कर्मठी ग्रह है, बहुत मेहनत करवाता है। ये योग से भी बहुत फायदे होते हैं। उम्मीद है आपको ये इस प्रकार का घटिया गंदा योग, इससे आप लोग बचोगे और राहु मंगल एक साथ हो जाएगा तो कोई अंगार नहीं लगने वाली है, ना आपके कपड़े जलने वाले हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूरी दुनिया में जो होना होगा, कहीं हवाई जहाज गिर जाएगा, किसी बिल्डिंग में आग लग जाएगी, ठीक है, इस तरीके की नेगेटिविटी होते रहती है। तो ये इसको बोलते हैं मेदिनी ज्योति, मेदिनी ज्योति पूरी दुनिया की ज्योति, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, आपकी कुंडली में राहु शनि योग है तो पूरी दुनिया के लिए वो जिम्मेदार होगा, उस समय की काल परिस्थिति में बना होगा। ठीक है, आपकी कुंडली में यदि चंद्रमा के साथ शनि होगा तो वो एक निश्चित चीज है, आपके मन को तकलीफ देगा, थोड़ा डिप्रेशन बनाएगा आपको, कि मन को बिठा देगा, तो ये सब चीज़ें तब दूर होती है। शनि के साथ चंद्रमा है तो आप पॉजिटिव सोचें, अच्छी चीज़ देखें, अच्छा साहित्य पढ़ें, धैर्य बनाए रखें, कोई नेगेटिव बात ना सोचें, तो ये सब योग अपने आप कट जाएंगे। लेकिन मानव मन है, जब तक वो किसी के पास जाएगा नहीं, कोई पूजा नहीं कराएगा, अच्छी मोटी रकम नहीं खर्च करेगा, तब तक उसका प्रेत बाधा योग उतरता भी नहीं है। तो ये प्रेत बाधा योग के कारण से बहुत सारे लोगों की किराना की दुकान, मतलब ज्योतिष की दुकान चलते रहती है। ठीक है, क्योंकि हिंदुस्तान में जब तक मूर्ख लोग हैं तब तक जो है बुद्धिमान आदमी ऐसे ही डरा के पैसा कमाते जाएगा। अरे शास्त्र ने तो लिख दिया, लेकिन एक लाइन नहीं लिखा कि क्या उपाय है। लेकिन लेखक अपनी किताब लिख रहा है तो बोल रहा है कि गणेश भगवान की मैं पूजा करता हूँ, और जो है ना गणेश जी की और गुरु जी की और जगत जननी को प्रणाम करता हूँ, तो आप क्यों नहीं दुर्गा सप्तशती का पाठ करते? भाई भूत प्रेत योग है तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए, चंडी का पाठ करिए, दुर्गा कवच करिए, जिसमें लिखा है कि एक एक रोम कोप कूप की, आपके बालों की और जिह्वा की, तालू की, पैर की, हर चीज की जो है रक्षा माँ दुर्गा करती है। तो जिनको योग है तो इस प्रकार से पॉजिटिव रहना चाहिए, तो ये सब चीज़ें शायद नहीं होगी। मैं तो खैर, मेरे को तो कभी दिखता भी नहीं इस कुंडली में योग। जनरली मैं आज पढ़ रहा था तो मुझे जातक तत्व में योग जो दिखा, तो बोले कई लोग पूछते हैं, चलो इसके क्वेरी कर लेते हैं, थोड़ा इस विषय भी चर्चा कर लेते हैं, तो मैंने ये चर्चा कर ली। उम्मीद है आपको ये चर्चा अच्छी लगी होगी, और मैंने आपको तर्क से बताया कि कैसे नहीं डरना है ना। हरे कृष्ण।